नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बिहार में बढ़ते कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सिवान, बेगूसराय के बाद अब मुजफ्फरपुर को भी सील कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर से लगने वाली सभी सीमाओं को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है कि कोई भी खतरा ना बढ़े। कोरोना के खतरे को देखते हुए कई जिलों की सीमाओं को सील किया गया है। इसी के मद्देनज़र अब मुजफ्फरपुर की सीमा को भी सील कर दिया गया है। बता दें कि वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और सारण जिले से मुजफ्फरपुर की सीमा लगती है। इसके अलावा सभी दिशाओं में मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं के लिए अधिकृत गाड़ियों का ही प्रवेश होगा। वहीं शाम में 6 बजे के बाद घरों से बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वहीं इस बारे में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने यह निर्देश दिया है कि इमरजेंसी सेवा वाले वाहन जैसे दवा, खाद्यान्न, दूध, मेडिकल जैसी गाड़ियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इस दौरान गाड़ियों की स्कैनिंग की जाएगी और उसमें सवार लोगों को भी सैनिटाइज किया जाएगा। उन्होंने ये बताया कि इन स्थानों पर कानून भंग करने वालों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तो एक तरफ जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे हो, सभी लगातार ये बातें कह रहे हैं कि जो लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते पकड़े जाएंगे उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी। सीएम नीतीश कुमार ने तो खास करके सब्जी मार्केट्स में लगने वाली भीड़ के ऊपर भी चिंता जाहिर की है और कहा है कि पुलिस इस पर जल्द से जल्द कुछ उपाय निकाले कि इतनी भीड़ एक जगह इकट्ठा ना हो। तो अभी क्या है कि बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 60 हो गई है। सबसे ज़्यादा बिहार के सिवान जिला को कोरोना ने प्रभावित किया है। वहाँ पर मरीज सबसे ज़्यादा हैं और इसको लेकर के सिवान की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड के पंजवार गांव में तकरीबन सैकड़ों गाँव पर बांस बल्ले घेर करके उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखलाई थी कि किस तरह सिवान के पंजवार गाँव को सील कर दिया गया है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर कि मुजफ्फरपुर की सीमाओं को भी सील कर दिया। बिहार के सिवान में एक ही परिवार से सबसे ज़्यादा मरीज सामने आए हैं और उसी गांव से सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव की संख्या देखने को मिली है। इन्हीं सब वजहों की वजह से मुजफ्फरपुर की सीमा को सील कर दिया गया है। बिहार में कुल 60 हो गई है तादाद और इस फैसले में इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे गाड़ियों को इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जा रहे संसाधनों का ही छूट रहेगा और लोगों को घर के बाहर शाम के 6 बजे के बाद नहीं निकलने की इजाज़त है। और अगर जो भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हम आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। Facebook पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।